Hello students, I hope you are fit and fine. Dear students, today we will revise inverse trigonometry function ITF inverse trigonometry function inverse trigonometry function. Now dear student, अभी आपने function का concept किया. You know function में कोई भी function है f(x) वो invertible कब होता है? Invertible. कोई भी फंक्शन अपने पास fx, if we have any function fx, that is invertible. वो invertible कब होता है? You know, when function is 1, 1 and on 2. 1, 1 and on 2. If any function is 1, 1 and on 2, then it is invertible. But you know, trigonometry function is not 1, 1. Trigonometric function is not 1, 1. Okay, also not on 2. For example, you know, sine का है, cos का है. So हमारे जो trigonometry function है not 1, 1, not on 2, फिर भी chapter का name क्या है? ITF. Any inverse trigonometry function. तो how is it possible? कैसे possible हुआ trigonometry function का invertible way कैसे किया गया? How will you find its inverse? तो now we will discuss about inverse trigonometry function. Dear students, suppose y is equal to sine x function अपने पास. y is equal to sin x. हम इसका ग्राफ बनाएंगे. अगर आप ग्राफ बनाएंगे y is equal to sin x, तो क्या होगा? 0, 1 pi by 2, 2 pi by 2, 3 pi by 2, 4 pi by 2, माइनस 1 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 4 पाई बाय 2. यू नो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज 1, मिनिमम इज -1. सो डियर स्टूडेंट, यू नो साइन 0 पे 0 होता है, पाई बाय 2 पे क्या होता है? 1. 0, 3 pi by 2, minus 1, 0. तो इसका ग्राफ कर्व फॉर्म में ऐसे बनेगा. सो minus pi by 2, minus 1, pi 0, minus 3 pi by 2, plus 1, 0. ओके. सो हमने जो ग्राफ बनाया है ये अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक फंक्शन बनता है. साइन का पीरियोडिक क्या है? 2 pi. ओके. तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं. अब स्टूडेंट आपको देखना है भी हमारा जो साइन फंक्शन है वो अपनी डोमेन के अंदर, जो भी इसका डोमेन है उसमें वो नॉट 1, 1 एंड नॉट 1, 2, नीदर 1, 1 नॉर 1, 2. देन आपने उसको इन्वर्टिबल कैसे बनाया? तो उसके लिए क्या भी होगा, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं y is equal to sin x, तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए ग्राफ के अंदर ये नॉट 1, 1 है, ना ही ऑन 2 है. अब मैं इसको इन्वर्टिबल, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. क्या करेंगे? इसकी पार्ट्स बनाएंगे अलग अलग. सपोज फर्स्ट पार्ट मैंने ये ब्रेक किया, ब्रांच बना दी मैं. फर्स्ट ब्रांच इज माइनस 3 पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2. सेकेंड ब्रांच मैंने ये ले लिया, देन
थर्ड ब्रांच ये ले लिया पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू। तो इन दिस वे आप ऐसी कितनी ब्रांचेज बना सकते हैं इनफाइनाइट, कितनी ब्रांचेज बना सकते हैं इनफाइनाइट, और इन ब्रांचेज के अंदर, इन ब्रांचेज के अंदर अगर हम इंडिविजुअल ब्रांच की बात करें, इन इंडिविजुअल ब्रांच की बात करें तो हमारा जो साइन फंक्शन है, चाहे इसकी बात करूं तो इसमें वो क्या होगा वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, इधर भी क्या होगा वन वन एंड ऑन टू, यहां भी क्या होगा वन वन एंड ऑन टू, ओके। तो इन दिस वे एक इंडिविजुअल ब्रांच के अंदर साइन फंक्शन क्या है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, क्लियर। अगर वन वन और ऑन टू है इंडिविजुअल ब्रांच के अंदर तो डियर स्टूडेंट इट मींस वो इन्वर्टिबल है, ब्रांच के अंदर वो क्या होगा इन्वर्टिबल, डोमेन के अंदर नहीं। अब मैं अगर इस ब्रांच की बात करूँ तो यहाँ साइन इन्वर्टिबल है, यहाँ इन्वर्टिबल है, यहाँ इन्वर्टिबल है। अब अपने पास बहुत सारी ब्रांचेज होगी, वी हैव इनफाइनाइट ब्रांच। अब इन ब्रांच में से हम एक ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे और उस ब्रांच को हम नेम देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब वो कौन सी ब्रांच लेंगे वो देखिए, मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन को इधर ले आओ, ओके। वैल्यू ऑफ y क्या है साइन इनवर्स x। तो डियर स्टूडेंट हमने देखा भी साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट क्या आता है x, रिजल्ट क्या आता है x, रिजल्ट इज x। सो आप अब देखिए अगर हमारा x जो है इस ब्रांच में लाई करेगा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, मीन्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स है वो एक्स आएगा, कब जब एक्स लाई करता है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। बट अदर ब्रांच लेंगे, सपोज अगर आपने ये ब्रांच लिखा ये वाला, अगर एक्स इसमें है तो वी कैन से ये नेगेटिव हो सकता है, पाई माइनस एक्स ब्रेक कर सकते हैं, ओके माइनस एक्स डिपेंड ऑन थीटा, सिमिलरली इस पार्ट में भी ये रहेगा, मींस हमें एक्यूरेट एक्स नहीं मिलेगा, एक्यूरेट एक्स किस में मिलेगा ओनली माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। सो डियर स्टूडेंट इन दिस वे ग्राफ के वे से हमने क्या डिस्कस किया, साइन फंक्शन या ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं थे, ग्राफ में हमने क्या बनाई ब्रांचेज बनाई और उन इनफाइनाइट ब्रांच में से हमने एक ब्रांच को सिलेक्ट किया और उस ब्रांच को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और उस ब्रांच में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे इन्वर्टिबल, और वो ईच ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मीन्स साइन कोस टेंजेंट कोस सेक कोसेक का क्या होगा डिफरेंट होगा। नाउ वी विल डिस्कस देयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब जैसे हमने साइन का निकाला है सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर कोस टेंजेंट कोट सिकेंट कोसिकेंट। नाउ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो फ्रॉम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखने से पहले हम डिस्कस करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं टू टाइप्स, वन इज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एंड वन इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यहां सीरियल नंबर, डोमेन, रेंज, सिमिलरली यहां सीरियल नंबर, डोमेन, बट यहां रेंज नहीं लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स फंक्शन भी लिखना है आपको, साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? रियल, रेंज -1 to 1। कोस एक्स रियल, रेंज -1 to 1। टेंजेंट एक्स और रियल, बट पाई बाय टू भी इन्फिनिटी होता है ना, सो हम और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं लेंगे और ये भी रियल रहेगा। कोट एक्स ऑल रियल बट नॉट एन पाई। सीकेंट एक्स ऑल रियल बट नॉट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। अब सभी रियल आएंगे बट माइनस वन और वन के बीच का कोई वैल्यू नहीं आएगा। कोसिकेंट एक्स ऑल रियल बट नॉट एन पाई, ऑल रियल बट नॉट बिटवीन माइनस वन टू वन। तो ये तो थी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ फंक्शन है अपने पास, यहाँ डोमेन है। सो फर्स्ट इज साइन इनवर्स एक्स। तो डोमेन तो ये पार्ट आ जाएगा जो रेंज है अपने पास -1 to 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स -1 to 1। टेंजेंट इनवर्स एक्स रियल, कॉट इनवर्स एक्स ऑल्सो रियल, सीकेंट इनवर्स ऑल रियल बट नॉट बिटवीन -1 to 1। कोसिकेंट इनवर्स ऑल रियल बट नॉट बिटवीन -1 to 1। मीन जो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो इनवर्स का क्या बनेगा? डोमेन। नाउ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो साइन इनवर्स का हमने निकाला -π/2 to +π/2। तो सिमिलरली कोस का होगा 0 to π, टेंजेंट का होगा ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। कॉट इनवर्स डोमेन इज, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज सेम एज कोस बट इन ओपन इंटरवल। डोमेन सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज सीकेंट इनवर्स एक्स इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेम एज कोस बट नॉट पाई बाय टू। कोसिकेंट सेम एज साइन बट नॉट जीरो। सो यहाँ पर आपका एक वन मार्क क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नाउ नाउ सम प्रॉपर्टी, यू नो अगर साइन इनवर्स में माइनस एक्स है तो साइन बाहर निकाल देगा। सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स एक्स में माइनस एक्स है, यू कैन राइट आल्सो माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स साइन कोस। टेंजेंट में है तो डियर स्टूडेंट आल्सो यू कैन राइट माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। बट इन कोस, कोस में है देन यू विल राइट पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और इन सीकेंट इनवर्स आल्सो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज आल्सो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये स्टूडेंट अगर किसी एक पार्ट को करना चाहे, जैसे मैं इसको लेता हूं तो इसको हमने वाई सपोज किया, साइन को इधर ले आइए, साइन वाई इज माइनस एक्स, माइनस को इधर ले आइए, माइनस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, माइनस साइन वाई को लिख सकता हूँ साइन माइनस वाई। अब साइन को उधर ले जाइए,
साइन इनवर्स x एंड y इज माइनस साइन इनवर्स x, ओके. बट इन केस ऑफ पाई में सपोज करो कॉस इनवर्स है तो वी विल टेक y एज कॉस इनवर्स माइनस x. सो कॉस y इज माइनस x एंड माइनस कॉस y इज x. माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा. नाउ कॉस किस में चला जाएगा, इनवर्स. सो पाई माइनस y इज कॉस इनवर्स x. कॉस को इधर ले आइए, नेगेटिव हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. सो इन दिस वे यू कैन प्रूव अदर पॉइंट आल्सो. सो यू शुड कीप इन माइंड अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में माइनस में थीटा है तो साइन कोसिकेंट और टेंजेंट में डायरेक्ट माइनस आउटसाइड आएगा और इन अदर पार्ट किसके साथ आएगा, पाई के साथ विद पाई. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑन एंगल्स. फर्स्ट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू. टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू. सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाय टू. एंड हाउ विल यू प्रूव? नाउ फर्स्ट पार्ट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू. तो लेट वाई को हमने सपोज किया डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स. साइन को इधर ले आएंगे सो साइन वाई इज एक्स. साइन थीटा का मैं लिख सकता हूँ कोस पाई बाय टू माइनस थीटा. यस, नाउ कॉस कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में, कॉस इनवर्स एक्स. माइनस वाई को भी उधर ले जाइए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई. और वाई किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स. सो इन दिस वे यू कैन प्रूव द प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू. Similarly, you can do other part also. Now, next property is, if sine inverse x, so we can write cosecant inverse, but theta ka reciprocal ho jayega 1 by x. Similarly, if cosecant inverse x, then sine inverse 1 by x. Cos inverse x, secant inverse 1 by x. But if secant inverse x, cos inverse 1 by x, tangent inverse x, cot inverse 1 by x, and cot inverse x, so tangent inverse 1 by x. Means, अगर आप inverse में opposite में लिखते हैं तो theta का reciprocal हो सकता है, करना है आपको. Next is, now tangent inverse x plus tangent inverse y. Property आप apply करेंगे, you can write tangent inverse x plus y upon 1 minus xy. But yes friend, you know 1 minus xy is greater than 0, minus xy is greater than minus 1. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देन साइन क्या हो जाएगा, चेंज. सो हियर एक्स वाई इज लेस देन 1. नाउ इन सेकंड प्रॉपर्टी, इफ टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, वी कैन राइट टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. एंड यस फ्रेंड, यू नो 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0. So xy is greater than minus 1. Third property is, अगर आपके पास 2 tan inverse x है, then you can write tangent inverse 2x upon 1 minus x square. 1 minus x square. Now for simplify your
राइट इन शॉर्ट फॉर्म, अगर आपके पास कहीं अंडर रूट में वैल्यूज लिखी हुई है, अंडर रूट में विदाउट अंडर रूट, फॉर सिंप्लीफाई एनी इक्वेशन, नॉट इक्वेशन यू कैन से इवेल्युएशन ऑल्सो इवेल्युएट, अगर आपके पास अंडर रूट में ये लिखा हुआ है कहीं ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यू कैन पुट एक्स एज ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हैं. नाउ इफ वी हैव रिटन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर देन एक्स इज ए सीकेंट थीटा और ए कॉस सीकेंट थीटा, बट इफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर देन एक्स इज ए टेंजेंट थीटा और ए कोटेंजेंट थीटा, एंड व्हेन ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स देन एक्स इज ए कॉस टू थीटा, तब आप एक्स को क्या लेंगे ए कॉस टू थीटा. क्लियर? अब इफ अगर आपको कहीं वन के साथ साइन थीटा लिखा हुआ है then change it into cos means cos pi by 2 minus theta. Similarly, 1 minus sin theta has, you can write 1 minus cos pi by 2 minus theta. Agar single cos likha hua hai, then you will change into sin pi by 2 minus theta because it will make easy. Solution kya banayega? Easy banayega. Kaise? Because we know हमारे पास property है if 1 minus cos theta तो that is 2 sin square theta by 2, 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 and sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2, तो we can apply properties of 1 minus cos, 1 plus cos and sin and we can put the different values for solution of the any simplification form. Now suppose aapke paas question aa jaye evaluate sin inverse 1 by 2, then how will you find its value. So you know sin mein agar negative hai to hum usko bahar nikal sakte hain direct. Okay, you know 1 by 2 written as साइन पाई बाय सिक्स, वन बाय टू क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाय सिक्स. अब आपको ये देखना है क्या पाई बाय सिक्स कैंसिल करने से पहले इसकी ब्रांच में लाई करता है. साइन का ब्रांच क्या है माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, यस लाई करता है तो यू कैन कैंसिल और आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाय सिक्स. जब तक ब्रांच में लाई नहीं करेगा आप कैंसिल नहीं कर सकते. Now in other parts, suppose we have कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2x upon 1 minus x square, 2x upon 1 plus x square, 1 minus x square upon 1 plus x square, 3x minus x cube, 1 minus 3x square. तो ऐसे केसेस में आप x को always क्या put करेंगे tangent theta. क्या सपोज करेंगे टेंजेंट थीटा, बिकॉज इससे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा इजी फॉर्म बन जाएगी और यू कैन कैंसिल द डिफरेंट पार्ट्स. नाउ अनदर एग्जांपल टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री. तो यू नो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट थ्री, अगर कोट का मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो क्या लिखा जाएगा पाई माइनस. सो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स अंडर रूट थ्री. नाउ इनको आप कंबाइन लिख सकते हैं. सो टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री प्लस कोट इनवर्स अंडर रूट थ्री. अब ये किसके इक्वल होगा, अभी हमने प्रॉपर्टी बनाया था tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई टू, सो आप यहाँ पाई बाई टू पुट करेंगे माइनस पाई टेकिंग एलसीएम तो वी गेट माइनस पाई बाई टू। नाउ अनदर एग्जांपल, टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इवेलुएट करना है। तो डियर स्टूडेंट, साइन को आप ट्रायंगल के फॉर्म से किस में बना सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट। देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस से आप ये निकाल सकते हैं 3^9 - 2, 9 - 4, 5 √5। सो इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स 1/3। अब इसको आप टेंजेंट की फॉर्म में लिखिए, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब आप यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, दैट इज किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। ओके, सो इन दिस फॉर्म, इन दिस वे यू कैन फाइंड आवर सॉल्यूशन ऑफ द एनी गिवन प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, ऑन द शॉर्ट रिविजन ऑफ द टूडेज कंसेप्ट, यू विल रिवाइज चैप्टर 2 फ्रॉम NCERT इन एलिमेंट, एंड इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।